नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका उमेश तिवारी के एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे पहाड़ी पर्व हरेला का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है हरेला, तो आपको दिखाते हैं हम और आज क्या क्या करते करते आज तक पहाड़ी पर्व है हरेला। और सबसे पहले आपको मौसम दिखा दें, बहुत अच्छी धूप खिली है। आजकल बारिश भी नहीं आ रही है और मौसम ठीक हो रखा है। पिछले 10-12 दिन से बारिश नहीं हो रही है, उससे पहले बारिश थी एक हफ्ते तक। उससे जो थी ये ज़मीन जो है काफ़ी हरी भरी हो चुकी है। और दोस्तों, आज है हरेला, खा पी के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आज हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज हरेली के दिन ही होता है हमारे पहाड़ में का एक पेड़ लगाना ज़रूरी होता है। पेड़ लगाते हैं और कहते हैं ना, हरेले दिन जो पेड़ लगाते हैं वो पेड़ जल्दी बड़ा हो जाता है। और हो जाता है कहीं पर लगाने पर, चाहे किसी भी चीज़ का पेड़ लगाएं। तो कल हम ला रखे हैं नींबू का पेड़ है दो, आज हम नींबू के पेड़ लगाएंगे। तो अभी सुबह के 10:30 हो रखे हैं, पापा ये लोग भी आ गए नीचे। मैंने कहा चलो आज पेड़ लगा लेते हैं और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ ज़रूरी है दोस्तों। तो ये देखो अब मेरी क्यारियाँ हैं, अब कुछ दिनों में सब्जियाँ लग जाएंगी घर की। और तो दोस्तों, पहले जगह ढूंढते हैं। यहाँ पर तो आजकल ऐसे ही असेफ हो रखा है, मक्के लगे हैं, तो ये वाली जगह मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पर हम लगाते हैं। दोस्तों, आज हमने यहाँ पेड़ लगा रखा है। तो मैंने अभी यहाँ पर पेड़ लगा दिया है और चार जो पेड़ हैं नींबू के वो मैंने लगा रखे हैं। दो इसमें अचार वाले नींबू हैं और दो नॉर्मल नींबू हैं। और आपको दिखा दें, तो फाइनली दोस्तों हमने पेड़ लगा लिए हैं और नींबू के हैं दो, कागी नींबू हैं, एक अचार का नींबू है और एक बड़ा नींबू है जिसे हम छान के खाते हैं। तो चार पेड़ थे, लगा लिए हैं और उनमें गोबर भी रख लिया क्योंकि हमारे घर के आगे काफ़ी गोबर है पानी को करके। और आज हरेले का दिन है, पेड़ लगाते हैं। और आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, तो कृपया प्लीज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएँ अपने घर आंगन में। जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर पेड़ लगाएँ और पेड़ों को पानी दें, सिंचाई दें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल अब मैं अपने बगीचे से, दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे आगे। और क्योंकि तो दोस्तों आजकल बिजी रह रहा हूँ, इसलिए टाइम मिल नहीं पा रहा है वीडियो बनाने का। और जब भी मिलता है तो मैं ज़रूर बनाता हूँ। आज हरेली का पर्व था, हमने पेड़ भी लगाने हैं। हमने अपने जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं थोड़ा कि आज हरेली के दिन पेड़ लगाते हैं करके। तो ये फ़िलहाल मेरी क्यारियों का हाल है। अभी काफ़ी मेहनत लगी है इसमें, इस खेत को करने में। कुछ दिनों में अभी और बारिश होगी तो सब्जियां होंगी इसमें। और ये हमारा आरू का पेड़, हमने इसकी कटिंग कर दी है। आपको बता दें कि इस बार बहुत आरू आए थे इस बार, तो अभी इसको हमने काट के ताकि अगली बार सीज़न तक फिर इसमें और बढ़िया आरू आ सके। और ये देख सकते हो दोस्तों, बाकी मौसम तो आप देख रहे हो, बादल लगे हुए हैं हल्के और धूप भी काफ़ी। लेकिन आजकल आमों का सीज़न भी है
और काफ़ी पहाड़ों में आम हो रखे हैं, और एक दिन आमों के लिए जाएंगे और आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से कि कितने आम हो रखे हैं करके पहाड़ों में। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा पहाड़ी पर्व है ये हरेला, इसको दरवाजे पर लगाते हैं। ये पहले से ही प्राचीन काल से ये रिवाज है कि हरेलों को ऐसे अपने दरवाजों पर 5 बार चारों तरफ करके ऐसे लगाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर अपने उस पर लगा लिए हैं। इसमें पिठ्या गोबर से, गाय के गोबर से और पिठ्या लगा के इनको लगाते हैं। और आज हमारे गांव में भी आपको बताया कि 19 तारीख से वहाँ भी शिव पुराण है, तो उसके लिए आगे बैठक है शाम को, वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ भी शायद हो सकता है साफ़ सफाई का कार्यक्रम हो कुछ, वो भी आपको दिखाया जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए मिलते हैं शाम को सीधे। मंदिर पर आ चुका हूँ और यह है हमारे यहाँ का शिव मंदिर, जबकि आज यहाँ थोड़ा सफाई का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ अभी पिछले 19 तारीख से यहाँ पर शिव पुराण का आयोजन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर मीटिंग चल रही है उधर, और यहाँ आपको दिखाते हैं कि थोड़ा सफाई का चल रहा है और लौंडे मोडे लगे हैं झाड़ियाँ साफ करने में, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। और ये आप देख सकते हो हमारे शेखरदा हैं बाजपा, इन्होंने अभी पूरी ये झाड़ी यहाँ पर सफाई कर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ बहुत अच्छी सफाई कर दी आज, बहुत ही मज़ा आया। और ये तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं हूँ अभी कहलगांव के शिव मंदिर पे, और जैसे कि आपको पता है कि 19 तारीख से यहाँ शिव पुराण का कार्यक्रम है, तो इस उपलक्ष्य में यहाँ आज एक मीटिंग भी चल रही है, और यहाँ पर हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। और आप जितने भी आप देख रहे हो कांटों की, यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई हो चुकी है और लगे हुए हैं सभी लोग यहाँ पर। और ये हमारे भाई लोग हैं, आप देख सकते हो सभी लोग, इन्होंने लगभग ये झाड़ियाँ कर दी हैं पूरी। और उधर बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है और उसमें सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे होगा कार्यक्रम, क्या होगा करके। और ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो भी वीडियो देख रहे हैं आप भी आइए 19 तारीख से यहाँ कहलगांव में शिव पुराण का आयोजन हो रहा है, और आप लोग आइए कथा का इस सावन के महीने में भोलेनाथ की जो कथा है उसका आनंद लीजिएगा। और काफ़ी यहाँ पर सफाई हो चुकी है। फोन करेंगे तो फोन बात।